नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस, एक कदम भविष्य की ओर। हमने हमारा टॉपिक चला था मंडी, तो पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, राजा नारायण चंद के बारे में, नारायण सेन के बारे में। नारायण सेन ने एक पीरपथा नामक कर लगाया था और दूसरों ने नारायणगढ़ का किला बनाया था। आज जो हम जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम केशव सेन, तो केशव सेन के समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई और इनका जो समय था वो शांतिपूर्वक था। पर क्या हुआ, जो इनके पुत्र हरि सेन जब गद्दी पे बैठे, तो हरि सेन ने क्या सम्मारक बनाई, किसकी, अपने पिता केशव सेन की, बर्शिला के रूप में सम्मारक बनाई थी उनकी मृत्यु के उपरांत। और हरि सेन जो थे वो जगत चंद के समकालीन थे। जगत चंद कहां से थे, नूरपुर के राजा थे, ठीक है। तो हुआ क्या, उसी समय जो 1618 की बात है कि जगत चंद को जो मुगलों के साथ अच्छी बनती थी, तो मुगलों ने जगत चंद को क्या पहाड़ी राज्यों का यानी कि फौजदार घोषित कर दिया, जिससे जो जगत चंद था उनके जो आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ने लगी। उन्होंने चंबा, बसौली और गुलेर के राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1623 में उन्होंने चंबा पे आक्रमण किया था। उस समय चंबा के राजा जो थे वो जनार्दन सिंह थे, ठीक है। जब जनार्दन सिंह और जगत चंद की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें जनार्दन सिंह मारे गए, तो उस समय जो जनार्दन सिंह का पुत्र थे, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, ये मात्र 4 वर्ष के थे, तो एक दासी उनको वहां से छिपते छिपाते कहां ले आई, मंडी के राजा हरिसेन के पास। 17 साल तक मंडी रख के राजा हरिसेन के पास ये रुके वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अगले राजा, क्वेश्चन नंबर 1, किस राजा ने अपने पिता के मृत्यु पर उनकी बर्शिला के रूप में सम्मारक बनाई, तो ये हरि सेन ने अपने पिता केशव सेन के मृत्यु पर बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, राजा हरि सेन के समकालीन नूरपुर का राजा कौन था, तो नूरपुर का राजा जगत चंद। क्वेश्चन नंबर 3, 1618 के आसपास जहांगीर ने किसे पहाड़ी राज्यों का फौजदार नियुक्त किया था, तो जहांगीर ने जगत चंद को पहाड़ी राज्यों का, नूरपुर के राजा जगत चंद को। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1623 में जब जगत चंद ने चंबा पर आक्रमण किया, तो चंबा का राजा कौन था, तो उस समय चंबा के राजा थे जनार्दन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबा के किस राजा को उसके बाल्यावस्था में मंडी ने शरण दी थी, तो जनार्दन सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को मंडी ने शरण दी थी 4 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष तक वो मंडी में रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जगत चंद वो उसके पुत्र ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो इन्होंने विद्रोह 1640 और 41 के आसपास मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने जगत चंद से अपना राज्य वापस लेने के लिए किसकी सहायता ली थी, तो पृथ्वी सिंह ने कुल्लू और मंडी की सहायता ली थी अपना राज्य वापस लेने के लिए। उसके बाद जो अगले राजा थे वो थे सूर्यसेन, ठीक है। 1637 में हरिसेन की मृत्यु हो गई। जब सूर्यसेन राजा बने, तो क्योंकि सूर्य सेन भी बाल्यावस्था में राजा बने, तो वहां पे क्रोड़िया नाम का खत्री था, वो राज व्यवस्था को देखते थे, ठीक है। तो जगत चंद को होड़ लगी थी राज्य पर अधिकार करने की, तो जगत चंद ने भी सोचा कि मैं मंडी के ऊपर अधिकार करूं। जगत चंद ने अपनी पुत्री का विवाह हरि सेन के साथ करने का आमंत्रण दिया, जिसमें क्रोड़िया खत्री जो था जगत चंद के साथ मिला हुआ था। इनका प्लान था कि जैसे ही बारात नूरपुर पहुंचेगी तो हरिसेन को बंदी बना लेंगे और राज्य पर कब्जा कर लेंगे। पर जब सूर्यसेन को बंदी बना के राज्य पर कब्जा कर लेंगे, जब सूर्यसेन नूरपुर बरात लेके पहुंचे, तो क्या हुआ, जो नूरपुर की रानी थी उन्होंने इशारों में जो सूर्यसेन थे उनको वहां से भगा दिया। सूर्यसेन वापिस कहाँ आ गए, मंडी आ गए। इस बात से शर्म आ गई जगत चंद को, और जगत चंद ने क्या किया, अपने पुत्र राजरूप के साथ अपनी पुत्री को भेज के उसका विवाह सूर्यसेन से करवा दिया। उसी के बाद 1640 में जो जगत चंद था उन और उसका पुत्र राजरूप, उन दोनों ने विद्रोह कर दिया, किसके विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध, जिससे क्या हुआ कि मुगलों ने जगत चंद का पीछा करना शुरू किया। और पीछा करने के लिए किस व्यक्ति को लगाया, वो थे मानचंद। मानचंद कहाँ के, गुलेर के राजा थे मानसिंह। मानसिंह और जगत चंद के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि ये पीछा कर रहे थे, तो इस युद्ध में जगत चंद की सहायता किसने की थी, सूर्यसेन ने, क्योंकि सूर्यसेन क्या हुआ, जमाई हुआ
जगतचंद का, जिसके चलते सूर्यसेन को सहायता करनी पड़ी थी जगतचंद की। ठीक है, युद्ध में जो मानसिंह थे वो जीत गए जगतचंद, और जो सूर्यसेन थे वो हार गए। सूर्यसेन अपनी जान बचाने के लिए भागे हुए थे, तो उनकी सहायता किसने की थी? नारायण लाला ने। नारायण लाला मंडी के ही व्यक्ति थे, पर क्रोड़िया खत्री ने इनको यानी कि अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। और ये काम करते थे जगतचंद के पास। नारायण लाला ने राजा की सहायता की, बचाया। उसके बाद जो सूर्यसेन थे उन्होंने कहाँ युद्ध किया? बड़ा बंगाल पे युद्ध किया। इस युद्ध में जो बड़ा बंगाल की सहायता की थी वो कुल्लू के राजा ने की थी। जब ये युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? मंडी और बड़ा बंगाल के बीच में, तो क्या हुआ कि जो कुल्लू ने शाहपुर, करणपुर और शमशेरपुर के इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दोबारा सूर्यसेन नहीं माने, उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया, जिस के चलते द्रंग और गुम्मा का क्षेत्र भी यानी कि कुल्लू के अधीन आ गया। ठीक है, उसी समय सूर्यसेन और कुल्लू के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि के दौरान दोनों राजाओं ने मिलकर अपनी सीमा जो कहां स्थापित की? बीड़ के एजू नामक स्थान पे। अब कुल्लू के युद्ध के बाद जो सूर्यसेन थे वो नहीं माने, उन्होंने एक और हमला किया। किसके ऊपर? राजा मानसिंह के, जो गुलेर के राजा थे उनके ऊपर। मानसिंह ने क्या किया? मंडी को दो बार लूटा, और जो मंडी का कमला दुर्ग था जिसे किसने बनवाया था? 1625 में बनवाया था राजा सूर्यसेन ने, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, और जो दमदमा महल था ये भी सूर्यसेन ने ही बनवाया था, पर कब्जा किस पे किया था? कमला दुर्ग पे, कमलागढ़ का जो किला था। अगले भू राजस्व जो सूर्यसेन थे उन्होंने जो भू राजस्व को लेने के लिए कड़े कानून बनाए थे, चाहे आप अन्न में दो चाहे नकदी में, पर कानून कड़े थे। उसके जो बाद के जो राजा है वो है श्यामसेन। श्यामसेन आगे जो सूर्यसेन थे, तो सूर्यसेन ने क्या किया? अनंतपुर के राणा के ऊपर भी हमला किया। तो इस हमले के लिए उनको सहायता लेनी पड़ी जालपू बजीर की, क्योंकि जालपू बजीर ने क्या किया, जो अनंतपुर का राणा था उसको कूटनीति से हराया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूर्यसेन ने यानी कि जालपू बजीर की बहुत बेइज्जती की, उसका मुंह काला करके उसको अपने राज्य से निकाल दिया। इस बात से उसने शरण ली, कहां पे? अनंतपुर के राणा के पास। एक विश्वासपात्र बना राणा, जो रानी थी उसने जालपू को अपना भाई बनाया। उसने जो जालपू था, जालपू ने रानी से बोला कि मेरे को अपने जो मेरी परिवार की महिलाएं हैं उनको नदीपुरी देवी की, जो अनंतपुर में एक देवी थी वहां के मंदिर में लेके आना है, तो मेरे को पालकियों में लेके आऊंगा। जिससे विश्वासपात्र होने की वजह से रानी ने अनुमति दे दी। जालपू पालकी में क्या लेके? मंडी की सेना लेके आया। उन्होंने अनंतपुर पर आक्रमण किया जिसमें राणा मारा गया और जो रानी सती हो गई। अब सूर्यसेन के 18 पुत्र थे, जो 18 के 18 सूर्यसेन के सामने मारे गए। सूर्यसेन को बड़ा धक्का लगा, जिसके चलते सूर्यसेन ने अपनी राजगद्दी किसे दे दी? विष्णु माधव राव को। और इन्होंने विष्णु माधव राव के लिए चांदी की मूर्ति बनवाई थी। उसके बाद जो सूर्यसेन का भाई था श्यामसेन, वो अगले राजा बने। श्यामसेन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8, बाल्यावस्था में सूर्यसेन गद्दी पे बैठा तो राज्य की देखरेख किसके हाथों में थी? तो राज्य की देखरेख क्रोड़िया खत्री के हाथों में थी। क्वेश्चन नंबर 9, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने पर जगतचंद को पकड़ने के लिए मुगलों ने किसे भेजा था? तो जो गुलेर के राजा मानसिंह थे उन्हें भेजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1641 में गुलेर व नूरपुर के युद्ध में नूरपुर की सहायता किसने की थी? तो नूरपुर की सहायता मंडी के राजा सूर्यसेन ने की थी। 1641 में हुए गुलेर के मानसिंह व नूरपुर के जगत चंद के युद्ध में सूर्यसेन ने किसने बचाया था? तो सूर्यसेन को नारायण लाला ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्यसेन ने बड़ा बंगाल राज्य पर आक्रमण किया तो बड़ा बंगाल की सहायता कहाँ के राजा ने की थी? कुल्लू के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यसेन ने कुल्लू के साथ अपनी सीमा कहाँ निर्धारित की? तो सूर्यसेन ने अपनी सीमा बीड़ के पास एजू नामक स्थान पर निर्धारित की। कमलागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो जो कमला दुर्ग है वो सूर्यसेन ने बनवाया 1625 में। किस राजा ने मंडी के कमला दुर्ग पर कब्जा किया था? तो जो गुलेर के राजा मानचंद थे उन्होंने कब्जा किया था। दमदमा महल किसने बनवाया? दमदमा महल सूर्यसेन ने बनवाया। अनंतपुर के राणा को हराने के लिए सूर्यसेन ने किससे सहायता ली थी? तो सूर्यसेन ने किससे ली थी? बोली थी जालपू बजीर से। सूर्यसेन को कहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह करने पर संधोल क्षेत्र दहेज में मिला था? तो
तो सूरज सेन को नूरपुर की राजकुमारी के साथ विवाह करने पर संदोल का क्षेत्र दहेज में मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंडी के किस राजा ने अपनी राजगद्दी विष्णु माधवराव को समर्पित की थी? तो सूरज सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विष्णु माधवराव की मूर्ति किस धातु की थी? तो ये चांदी की थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस मंडी के किस राजा ने भू राजस्व को वसूलने के लिए कड़े कानून बनाए थे? तो ये कड़े कानून सूरज सेन ने बनाए। जो सूरज सेन का भाई था श्याम सेन, वो अगले राजा बने। श्याम सेन जैसे ही राजा बने, उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया, कुल्लू के एक किले पर अधिकार किया। उसी समय क्या हुआ, जो कहलूर के राजा भीमचंद का समय था, तो भीमचंद के जो राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते कांगड़ा के राजा ने मुगलों को भड़काया और कहलूर पर हमला करवा दिया। अब इस हमले ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो मंडी का राजा था श्याम सेन, उसने कहलूर की सहायता की, क्योंकि जो कहलूर का राजा भीमचंद था, उसकी माता जलाल देवी वो मंडी की राजकुमारी थी। ठीक है, उसके बाद जो क्या हुआ, श्याम सेन जो था सुकेत के राजा जीत सेन के समकालीन था, तो श्याम जो मंडी और सुकेत की आपस में नहीं बनती थी, तो जीत सेन और श्याम सेन का युद्ध लड़ा गया कहाँ पे, लोहारा में, जिसको हम सुकेत में पढ़ चुके हैं। नैना नाम का कटोच था जिसने जीत सेन का पीछा किया था, और जीत सेन को मारा तो नहीं पर तो उसका मुकुट ले आया था, जो एक शर्म की बात थी, जिसके चलते श्याम सेन ने नैना कटोच को द्रंग वो गुम्मा की खानों से 8 भार प्रतिवर्ष ले जाने की अनुमति दी। श्याम सेन ने तारना जिसे हम बोलते हैं तारना टेम्पल, तारना धार पर श्यामा काली का मंदिर बनवाया। अब जब जो अंतिम समय था श्याम सेन का, वो विलासता से भरा हुआ था, श्याम सेन अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर रहा था, उसी समय क्या हुआ, कुल्लू के राजा ने जो मंडी के कुछ क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लिया। जब इस बात का पता राजा श्याम सेन को चला, तो श्याम सेन ने क्या किया, कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और कुल्लू के कई जो क्षेत्र थे उनको अपने अधीन कर लिया। दोनों के बीच में संधि हुई, जिससे चलते श्याम सेन जो कुल्लू का राजा था, उसने श्याम सेन को 1,00,000 रुपया देना मंजूर किया। जब राजा वापिस आ रहा था मंडी, तो राजा ने कंडी नामक स्थान से होके निकलने की बात की। सैनिकों ने बताया भी कि ये यानी कि जोखिम भरा है, पर राजा नहीं माने। कंडी में क्या हुआ, जो कुल्लू की सेना थी उन्होंने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और जो 1,00,000 रुपया था वो वापिस ले लिया। और उन्होंने राणा को नहीं मारा क्योंकि किसी एक ने बोल दिया था कि जो राणा का पुत्र है, राजा का पुत्र है श्याम सेन का, वो यंग है और वो अवश्य बदला लेगा। तो राणा जो राजा था। क्वेश्चन नंबर 22, मंडी के किस राजा ने बिलासपुर के राजा भीमचंद की सहायता मुगलों के विरुद्ध की थी? तो ये की थी श्याम सेन ने, क्योंकि जो भीमचंद की माता थी जलाल देवी, वो श्याम सेन की बहन थी। अगला क्वेश्चन है, तारना धार पर श्यामा काली का मंदिर किसने बनवाया? ये भी श्याम सेन ने बनवाया था। और क्वेश्चन नंबर 24 है, श्याम सेन ने अपने किस सिपाही को 8 बार नमक प्रतिवर्ष ले जाने का अधिकार दिया? तो ये अधिकार दिया था उसने नैना कटोच नामक सिपाही को। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।